तो अभी हम लोग जा रहे हैं शांति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए महाबलेश्वर मार्केट में। बज चुका है 9 रात का एंड काफ़ी लेट हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बीच में थोड़ा सा जंगल का रास्ता भी है बट आई थिंक सब सेफ है। और हमने राइडिंग जैकेट लगा लिया है, अंदर 2-3 टी शर्ट लगा लिया है तो ठंडा नहीं लग रहा अभी। तो कल को हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे थे लंच डिनर के लिए बट यहाँ पर क्राउड देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ था तो हमें मज़ा नहीं आया क्योंकि हमको थोड़ा सा अलग से स्पेस चाहिए था बिकॉज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। ये शॉप अभी भी चालू है यार, क्या बात है। तो रात को भी 11 बजे तक चालू था ये पूरा। अरे भाई इतना फास्ट मत चलाओ, ये थोड़ा बस वाला से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो अभी भी तो थोड़ा थोड़ा रास्ता याद हो गया हम लोग को। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर कल को हम बैठे थे, कैफे पीटर। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था बट अभी यहाँ पर एक कैफ़े खुल गया है। चलो ये भी अच्छा है। ये हम लोग घूम रहे हैं अपने महाबलेश्वर मार्केट में, सब शॉप क्लोज हो रही है, जैसे एक ग्राउंड लेने जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग अभी महाबलेश्वर मार्केट में घूम रहे हैं, डिनर कर लिया है हम लोग ने और जस्ट एक वॉक के लिए निकले थे यहाँ पर, अभी कुछ शॉपिंग कर लिया जाए। अभी यहाँ पर सब दुकानें धीरे धीरे क्लोज हो रही है, टाइम भी हो चुका है काफ़ी, तो अच्छा वॉक भी हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद सीधा रूम में जाके आराम करेंगे हम लोग। तो डिनर हो चुका है और घूम भी लिया हम लोगों ने मार्केट, एक शॉपिंग भी होगी थोड़ी बहुत, अभी वापस जा रहे हैं अपने रूम में। तो फाइनली हम लोग डिनर के बाद वापस अपने रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। तो ये रात में हमारा रिजॉर्ट कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना रखी है उन्होंने, मेंटेनेंस भी ठीक ठाक ही किया हुआ है बट बिकॉज थोड़ा सा अंदर है तो शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है।